साहब, इसमें ना दो मैनेजर, एक डॉक्टर और एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी था, जिसे हमने छोड़ दिया। सुनिए, अंदर आइए। चलिए, परेशान मत होइए, अंदर आइए। साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। ऐसा डंडा मारूंगा ना कि जज के सामने सीधा खड़ा भी नहीं हो पाए। चल अंदर, चलो चलो। अरे आदमी है के पजामा, ये क्या वहाँ कहाँ घुस गए भारत बाबू? अरे भारत बाबू कहाँ फंस गए? निकलो वहाँ से, निकलो, निकलो। क्या, क्या, क्या निकलो, निकलो। बाबा जी का माल लेके जा रहे हैं, हा? और तुमने अपने बाबा जी का माल समझ रखा जो लपेट के ले जाओगे? होटल ब्लू डायमंड से पिंकी के साथ पकड़ा इसको। बोल पिंकी। हाँ साहब, दो बार मजे लिए, आधी बार मैं तो खड़ा था उधर, झूठ बोल रही है। अरे गुलाबगंज थाने से तो मैं लेकर आया हूँ। हाँ तो जलेबी खाने अब मेरे साथ जाएंगे। अरे खड़े खड़े तमाशा का देख रहा हूँ। पुलिस के कब्जे में से मुजरिम को भगाने के केस में आपको अंदर कर सकता हूँ अभी। अच्छा, ज्यादा नेतागिरी दिखाने की कोशिश न करो। ऑन ड्यूटी पुलिस में हाथ उठाता है। बचने का कोशिश कर सकता है तो कर ले, साला पुलिस वाला होके धंधा करवाता है। अरे भैया, अरे भैया, मजाक को आप सीरियसली ले गए यार। ऐसा थोड़े होता है कोई है? जो लेना देना है लो दो, सामने वाले को छोड़ दो। तो ऐसा कहिए ना, चलान बनना पड़ेगा। आओ 500 रुपए। अरे मिलिट्री में एक पुलिस का रेट नहीं समझते। अरे एसपी साहब ने 2000 रुपया फिक्स कर रखा लड़की के केस में। पकड़िए इनको। चलिए चलिए, छोड़िए, छोड़िए, चलिए। क्या करते हो भारत बाबू? अरे साहब, मैं तो आराम से खड़ा था उधर। अच्छा चलो, 2000 रुपए निकालो। कहेगा 2000? अरे आपके सामने दिए नहीं उसको मैंने कभी नहीं। मैं तो बस, मैं थोड़ी उनके साथ पकड़ा गया। ये बात साबित करने में आपको 5 साल लग जाए। काल गल के रैकेट में बैंक का कैशियर पकड़ा गया, कल की मुख्य लाइन होगी पेपर। आप बताओ क्या असर होगा? समाज क्या कहेगा? आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे? घर वाले क्या कहेंगे? और भाभी जी तो छोड़ ही देंगे। निकाल 2000। अब चाय पिला। देखो आप तो नाश्ता करके आए होगे, लेकिन कसम से सबे आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ से जिसने पंखा चुराया था वो भी आएगा। हाँ आया होगा, झाई होगा, कितना है? अरे वो तो खड़ा है। कहाँ? अरे वो जिसके हाथ में हथकड़ी और पौंद अपनी तरफ करके खड़ा हुआ है ना। हाँ, वो ही है चुन्नू फरिश्ता। चुन्नू फरिश्ता? हाओ, ए चुन्नू। इतने आओ। अरे खुशवा जी, कैसे? इतने आओ, आते हैं। ठीक है भाई, रात को खाने पे मिलते हैं जेल में। ठीक है? कैसे चुराया होगा पंखा हमारे यहाँ से? भारत बाबू बड़ा हरामी है, सलाखों के बीच में से घुस जाता धुएं की तरह। इन्हें पहचानता है? अबे इन्हीं के यहाँ से तो पंखा चुराया, टेबल फैन। अच्छा, नूपुर कुंज में रहते हैं? गुलाबगंज। देखो तुम्हारा गवाह है कि नहीं। ठीक है। अच्छा भारत बाबू कितने हैं? अरे हम हैं ना यहाँ, ध्यान रखना। हाँ। हाय, that's it. Me.